हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेवन्थ बच्चों, आपका जो हम हिस्ट्री में चैप्टर रीड कर रहे थे आज उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री में आपका हिस्ट्री का चैप्टर 3 रीड कर रहे थे, आज हम कर रहे थे उसे, आज कंप्लीट कर लेते हैं, ओके। हाफ हम कल पढ़ चुके थे, तो नेक्स्ट है इसमें खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, नज़दीक से एक नज़र। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। क्या कहा जाता था इन गुलामों को फारसी में? बंदगा। तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूँकि पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। वो क्या थे? अपने मालिक पर पूरी तरह से निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान जो थे वो भी उन पर विश्वास करके निर्भर हो सकते थे। बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तब भी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटों से भी बढ़कर होता है। आश्रित। आश्रित किसे कहते हैं? जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर हो, उसे क्या कहते हैं? आश्रित। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदारों जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तान द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पद पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। यानी जो निचले खानदान के जो लोग थे उन्हें ऊंचे पद पर बैठा दिया था, इसलिए दिल्ली के सुल्तान जितने भी थे उनकी आलोचना भी की गई है। यानी उनको कहा गया कि गलत था, ये सही नहीं किया इन्होंने। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के ने अजीज कुमार नामक कलाल शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हजाम नामक नाई, मनका तब्बाक नामक बावरसी और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य में इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। यानी कि जो छोटे पद के लोग छोटे लोग थे, जो निचली जाति के लोग थे, उन्हें उच्च पदों पर भी बिठाया गया था। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके एकता कहलाते, क्या कहलाते थे? इलाके एकता। और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तदार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी एकता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का कड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्र किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए, तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को विभिन्नता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि कर, जिसे खराज कहा जाता, क्या कहा जाता था? कृषि कर, जिसे क्या कहते थे? खराज। और जो किसानों की उपज का लगभग 50% होता था, मवेशियों पर और घरों पर। यानी कि 3 तरह के कर थे। कृषि पर लगता था, उसे खराज कहते थे,
जो किसानों की उपज का, जो किसान जो ज़मीन से जो खेती पैदा करते हैं उसका लगभग, यानी कि मान लीजिए उनको 70,000 रुपये उनके पास आए हैं खेती करके, उपज करके, तो उसका मतलब उन्हें 35,000 देना होता था मवेशियों पर, यानी कि पशुओं पर कर और घरों पर। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेना अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। सरदार उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मुरक्कश चौदहवीं भारत यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बना कर रहते थे, तो कभी कभी बाँस के झुरमुटों में। भारत में बाँस पोला नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। इसके अलावा अलग अलग समय इस तरह के गुथे होते थे कि उन पर आग का असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते थे। सरदार इन जंगलों में रहते थे जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते थे। इन दीवारों के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते थे। अंदर ही पानी उपलब्ध रहता था, वहाँ एकत्र जल वर्षा का जल, इसलिए इन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। ये सेना जंगल में घुसकर खासतौर से आगे औजारों से बाँसों को काट डालती थी। चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना ना आधुनिक उज्बेकिस्तान, यानी ट्रांस ऑक्सियाना यानी कि आधुनिक जो है उज्बेकिस्तान है उसके बारे में बातें पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद दिल्ली सल्तनत को उसका दहाव झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोल स्थानीय सेना खड़ी दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इसे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती आई। देखिए सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। देखो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने कैसे कैसे उनका सामना किया दिखाया गया है यहाँ पे। दिल्ली पर दो बार हमले हुए, 1299 और 1300 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी की। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में हुआ यहाँ पे। अलाउद्दीन खलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक नया गैरसन शहर बसाया। सैनिकों के पेट भरने की समस्या दूर को समस्या गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती पैदा घटी का हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय किया गया था। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उनसे सजा मिलती थी। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे। इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में पशुओं की सफलता से आपूर्ति के लिए उनके शासनकाल की बहुत प्रशंसा किया। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। अभी मोहम्मद तुगलक के बारे में दिखा गया। मोहम्मद तुगलक ने क्या क्या किया। मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों का इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। स्थायी सेना तैयार करना उनका आक्रामक कदम था। नया गैरसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के चारों शहरों में सबसे पुराने शहर दिल्ली एक विना को निवासियों से खाली करवा कर वहाँ सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। सेना खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी सिक्के बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से चुकाते थे। सस्ती मुद्रा जैसी जाली सिक्के बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का राय छोड़ दिया, अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दुआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंतर टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल
इलाके को फतेह करने के अभियान की योजना बनाई, जहाँ अलाउद्दीन खलजी का बड़ा का बल प्रतिरक्षा पर था। वहाँ मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। नेक्स्ट टॉपिक आपका 15वीं या 16वीं शताब्दी में सल्तनत की, 15वीं 16वीं शताब्दी में सल्तनत में कौन कौन आया, क्या क्या हुआ। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद लोधी वंश का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे तो पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशलता सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूर ने बिहार में अपने चाचा के छोटे से इलाके के प्रबंध कर मुकाम शुरू किया और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। मान सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। ठीक है बच्चों, आया समझ में। अब आपका ये अनन्य अन्यत्र, ये आपको खुद से रीड करना है। ठीक है, ओके बच्चों, अन्यत्र आपका 3 श्रेणियाँ, ईश्वर्य, शांति, नाइट और धर्मयुद्ध, आपको खुद से रीड करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर भेजूंगी, वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ओके, थैंक यू।